हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो मैं आप सभी के डिमांड पर बना रहा हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स में कि जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। तो आप वीडियो कम्प्लीट देखना, आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा, लॉकडाउन है और जिसकी वजह से इग्नू के सभी रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर वगैरह बंद है। साथ ही में इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि 31 मई तक सभी रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और इवेल्युएशन सेंटर वगैरह बंद रहेंगे। और अभी आपके असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट फिलहाल जो है 31 मई 2021 है, जून 2021 एग्जाम के लिए। तो जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर वगैरह बंद होने की वजह से और साथ ही में अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जिसके कारण ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट है जिनका असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। ये 24 ऐसे रीजनल सेंटर है जिनके तरफ से असाइनमेंट अभी ऑफलाइन मोड में सबमिट लिए जा रहे हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, और कई रीजनल सेंटर की तरफ से तो गाइडलाइंस भी जारी नहीं किया गया है। तो जिन भी रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है, उन सभी स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और साथ ही में जिन रीजनल सेंटर की तरफ से बाय पोस्ट सबमिट करने के लिए बताया गया है, तो अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कॉरियर सर्विस भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिनका असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो आपके असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। कितना किया जाएगा? अभी जो है 15 दिनों के लिए और आपके असाइनमेंट सबमिट करने का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अभी तो फिलहाल जो है 31 मई है, तो यानी कि आपको 15 जून तक का और भी समय दिया जाएगा। और बात करते हैं कि जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो इग्नू की तरफ से कब रिलीज किया जाएगा, तो जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो 31 मई को इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर अगर 31 मई को बाय चांस नहीं किया जाता है तो 1 जून को जो है आपके असाइनमेंट सबमिट करने का जो लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन इग्नू के वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही में अगर अभी भी आपको यकीन ना हो कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिससे कि आपको अच्छे से यकीन हो जाएगा। तो यहां पर आप एक ईमेल देख सकते हैं, और ये ईमेल जो है जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 15 जून तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसको अभी आप यहां पर देख सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट ने रीजनल सेंटर को ईमेल किया था, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो लास्ट डेट है वो 15 जून तक रहेगा, यानी कि आपका जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है जून 2021 एग्जाम के लिए उसको एक बार और एक्सटेंड किया जाएगा, और आपको जो है 15 जून तक का समय दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो आप कोशिश तो यही कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप असाइनमेंट को सबमिट कर दीजिए। अभी तक जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का गाइडलाइंस जारी किया गया है, ऑनलाइन सबमिट करना होगा या फिर ऑफलाइन सबमिट करना होगा, उसको आप इस वाली वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट बना लीजिए और जितना जल्दी हो सके सबमिट कर दीजिए। अभी फिलहाल 31 मई है और इसको एक्सटेंड किया जाएगा 15 दिनों के लिए, और आपको जो है 15 जून तक का समय दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।